गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स को मेरा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? बाकी आप लोग तो कमेंट में बताते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज एक मेरे यूट्यूबर ने, मेरा जो सब्सक्राइबर है, उसने मेरे पास वीडियो भेजी है महाराष्ट्र से, पुणे से। उसने मेरी वीडियोस देख के स्विफ्ट डिज़ायर चलाना सीख लिया है और उसने वीडियो भेजा है मुझे चलाते हुए। बहुत खुशी होती है कि थैंक गॉड, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ। मेरी वीडियोस इतनी हेल्पफुल हैं कि लोग वीडियोस देख के कार चलाना सीख जाते हैं। उसने मुझे पर्सनल कॉल भी किया थैंक यू बोलने के लिए और वीडियोस अपलोड करके बताया मुझे कि सर देखिए, मैंने आपकी वीडियोस देख के 10 डेज़ में, डेली वीडियोस देखता था, 10 डेज़ के अंदर मैं कार निकाल के लेके आ गया हूँ और बहुत अच्छी चला रहा था, स्विफ्ट डिज़ायर थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे सीख सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए, आपका फोकस गोल पर होना चाहिए। आप कोई भी कार क्या प्लेन भी उड़ा सकते हैं, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए सीखने का। तो बाकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ नया बताने वाला हूं मैं, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? काशिफ। ओके ओके, कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? आठवा दिन है। हल्का राइड काटो नहीं तो टकरा जाएगी बेटा। बस ठीक है, 8 डेज हो चुके हैं इनको। और अभी आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? मैंने लेफ्ट चला लिया आराम से। तीसरे तक चलाई है आराम से? जी भैया। अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम बताया आपने? काशिफ खान। ओके, जैसे कि आपने देखा काशिफ जी मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं कार को। और अभी इन्होंने 3rd गियर तक कार को ड्राइव किया है। और हम लोग हैं अभी विकास नगर। तो विकास नगर में बहुत पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि सिंगल रोड नैरो गलियां, जो बहुत ही छोटी छोटी ब्लैंक गलियां होती हैं, वहां पे कार को कैसे कंट्रोल करना और किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है और एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ती है, बट नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें 1st और 2nd गियर में कार को ड्राइव करने के लिए एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी गाड़ी हो, 4-व्हीलर, पेट्रोल हो या डीजल, उस पर हमें एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आपको राइट लेना है जी भैया, यहीं से बेटा राइट, यही कट है, ठीक है, जाने दो। टर्निंग से 100 मीटर पहले आपको राइट का सिग्नल देना होता है, उसके बाद राइट वाले साइड मिरर में देखना होता है, हॉर्न देना होता है कि ताकि राइट साइड से आपके कोई निकल ना जाए, सामने से गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 8 से 10 फीट का गैप है, दोनों साइड कार खड़ी है। ऐसी सिचुएशन में आपका पैर क्लच और ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सीलेटर पे। सामने गाय है तो आप क्या करेंगे? आप अभी से हॉर्न देंगे या वहाँ पहुँच के देंगे? गाड़ी अपनी 1st गियर में करिए। गुड, जाने दो, राइट काटो धीरे धीरे। यहाँ से फिर आपको राइट जाना है, यहीं से ना भैया? अब इसके अलावा कोई दूसरी गली है तो फिर आप वो देख लीजिए, है ना। यहाँ से सीधे ही जाना है, अब फिर यहाँ से राइट लेना है। हर टर्निंग पे आपका पैर क्लच और ब्रेक, गियर पे नहीं बेटा, क्लच और ब्रेक पे होना चाहिए। गियर पे पैर कैसे रख लोगे आप? अक्सर होता है डर के मारे ये सारी बातें निकलती, बोलो कुछ होता कुछ है। यहाँ से फिर लेफ्ट, क्लच और ब्रेक पे। आप देख रहे होंगे कि हर 20 से 30 मीटर पे टर्निंग है और बहुत नैरो टर्निंग है, पतली पतली, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे काफ़ी रश है, चारों तरफ से गाड़ियाँ हैं, ज़रा सा भी डिसबैलेंस होगा तो गाड़ी टकरा जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तासिफ जी कार को ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। आगे से फिर हमें लेफ़्ट जाना है, ठीक है, घबराना नहीं, डरना नहीं है। पैर हमेशा कहाँ होना चाहिए टर्निंग पे? क्लच और ब्रेक पे है, वेरी गुड। अब मुड़ने से सिग्नल कितना पहले देंगे आप? लगभग 100 मीटर पहले, और हॉर्न भी बजाएंगे, गुड। साइड मिरर में देखेंगे, टर्न करेंगे ताकि कोई आपके लेफ्ट से निकल ना रहा हो, गुड, वेरी गुड।
तो दोस्तों यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं, एक्सीलेटर नहीं लेंगे तो हमारी कार रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। आगे से फिर लेफ्ट लेना है आपको। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि कार कोई भी हो, चाहे वो वैगनार हो, ऑल्टो हो, सेंट्रो हो, कोई भी गाड़ी हो, विदाउट एक्सीलेटर आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। बहुत नैरो कट हैं, सीधी करो फटाफट, वेरी गुड। बस थोड़ा सा आपको स्टीयरिंग को थोड़ा 90 डिग्री से टर्न करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में आपको कार को मतलब ये मान लीजिए कि स्पीड एकदम 0 से 10 की रखनी है, पर स्टीयरिंग की जो स्पीड है ना घुमाने की, सीधी करने की, वो थोड़ा फास्ट रखनी है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, भाई बहुत अच्छी चला रहे हैं। हाँ, सीधा जाना है और इनका पैर क्लच और ब्रेक पर आ जाता है टर्निंग पर। यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है आपको, सिग्नल देंगे, ब्रेक और क्लच पे पैर रखेंगे। कितनी दूरी से गाड़ी काटनी होती है, आपका जो ये बोनट है, जो ये पोशन है ये वाला, ये जब आगे निकल जाए पूरा, कोई दीवार हो या पोल हो या कुछ भी हो, जब इतना पोशन आपका, ये जो पोशन है ये वाला, ये आगे निकल जाए उसके बाद गाड़ी काटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से करीब 4.5 फीट आगे का एरिया है। तो ये चीज़ पूरी निकल जाने के बाद जो ग्लास लगा हुआ, इससे आप जजमेंट ले सकते हैं कि देखो अभी ये टर्न करेंगे, सामने पिलर आ रहा है, ये देखो इतनी गाड़ी निकलने के बाद इन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब आप गाड़ी इतनी निकलने के बाद अब जब काटना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी गाड़ी आपकी टकराएगी नहीं, ज़्यादा स्पेसेस नहीं लेगी, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी तभी हमें काटना है जब इतना पोर्शन ये यहाँ का जो हमारा ये बोनट वाला डैशबोर्ड वाला पोर्शन है वो निकल जाए। अब सामने ठेला आ रहा है तो आप गाड़ी साइड में लगा लो, थोड़ा सा रोक लो यहीं, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके राइट रखो, स्टॉप करो, वेरी गुड। अब गियर फर्स्ट डाल लो, हाँ, अब उसको निकलने दो पहले, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, क्यों ऑलरेडी वो लोडेड है, वो रिक्शा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी को कंट्रोल कर लेना है। अब वापस वो निकल गया, अब ब्रेक को रिलीज़ करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, बच जाने दो धीरे धीरे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अब हमें यहाँ से राइट जाना है, तो राइट के लिए राइट का सिग्नल देना है, हॉर्न देना है, राइट साइड वाली साइड मिनर में देखना है, गुड। एक ही बार हॉर्न बजाया करो, क्योंकि हॉर्न ज़्यादा बहुत तेज़ है ना, लोगों को डिस्टर्ब होता है, ये एक तरीके की गाली ही होती है, ठीक है। इंडिया से बाहर अलाउ नहीं है बजाना, कई कंट्री ऐसे हैं वहाँ पे अगर बजा दोगे तो फाइन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, वेरी गुड। राइट साइड देखो पहले, फिर लेफ्ट साइड, क्योंकि जिस साइड हमें जाना होता उस साइड हमें नहीं देख, पहले देखना होता राइट साइड, क्योंकि खतरा किधर से होता है, अपोजिट साइड से। यहाँ से राइट जाना, राइट का सिग्नल दो, हॉर्न मारो, वेरी गुड, जाने दो, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड। छोटी छोटी गलियों में अगर आपने कार को चला लिया तो परफेक्ट। ये सामने होंडा एमएस खड़ी है जी, मेरा ही सिखाया है अनिरुद्ध, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, इसी होंडा सिटी की वीडियो पड़ी हुई है, होंडा एमएस की। सीधा जाना, स्ट्रेट हॉर्न लीजिए, वेरी गुड, स्ट्रेट राइट रखो, बहुत बढ़िया। ये सब नैरो गलियाँ हैं, इनमें जिन्होंने कार चला ली वो समझ लो परफेक्ट हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ सिर्फ ज़रूरत होती है हमें साइड देखने की कि हमारी गाड़ी कितनी जगह में निकलेगी। हॉर्न मारो, जाने दो, गुड, वेरी गुड। सामने जो ऑल्टो खड़ी है देख रहे हैं, हॉर्न मारिए, उसके जस्ट बगल में रेड कलर की कार खड़ी है, कबड्ड की, वो भी मेरी सिखाई है मैडम मधु त्रिपाठी, लेफ्ट आओ, आगे राइट रखो, अभी जस्ट मैंने सिखाया इनको, 2-3 वीडियोस पड़ी हैं। यहाँ से फिर राइट लेना है, राइट का सिग्नल दो, हॉर्न दो, गुड, वेरी गुड। यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है, लेफ्ट टर्न करो फुर्ती से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड, वेरी गुड। देखो आपने ब्रेक और क्लच पे पैर रखा तो गाड़ी कितनी प्यार से मुड़ रही ना जी भैया। अब इसको ठेले वाले को हॉर्न मारो और हल्का राइट रखो, मोरंग पे मत चढ़ाना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेफ्ट आ जाओ, फिर सीधा जाना है, लेफ्ट आओ, रोड़ी पे काटो फटाफट राइट, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, सीधी करो, बस राइट रखो हल्का राइट, देख लो ज़रा सा भी दाएं बाएं हुई तो गाड़ी आपकी छू जाएगी। अब थोड़ा क्लच ले लो, हाफ क्लच, ताकि वो निकल जाए रिक्शे वाला, हाफ क्लच लो बेटा, लेफ्ट आओ और बस धीरे से, हाँ, अब राइट का सिग्नल दो, गुड, बहुत बढ़िया, टर्न करना है यहाँ से, राइट काटो धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस।
हाफ क्लच क्यों मैंने बोला था लेने के लिए, ताकि फर्स्ट गियर में भी स्पीड थोड़ी और कम हो जाए। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 10 से 20 होती है राइट जाना यहाँ से, तो अगर आप हाफ क्लच ले लेते हो तो 10 से भी कम स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप फर्स्ट गियर में राइट। गुड। कई बार क्या होता है ना, हमने फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल दी और पूरा क्लच रिलीज़ कर दिया, तो गाड़ी की जो एक स्पीड लिमिटेड होती है ना वो उस पर आ जाती है, तो वहाँ हमें उससे भी कम करना है, तो हम हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे क्या होगा चलती रहेगी। यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। टर्निंग से पहले आपको लेफ्ट वाले साइड मिरर में देखना, ताकि हमारी लेफ्ट से कोई गुजरे ना, ठीक है, नहीं तो टकरा जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सिग्नल देने के बाद भी लेफ्ट राइट से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। जितना ज़्यादा आप टर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लच ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छा आपका क्या हो जाएगा, ड्राइविंग अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस मस्त हो जाएगा। अभी सीधा जाना है, अभी कौन से गियर में चल रही है, फर्स्ट, और ब्रेक पे पैर रखो, हाँ, एक्सीलेटर को छूना नहीं है आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड जीरो की है, ठीक है, 5 का RPM है, और फिर भी गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर बिंदास चल रही है। यहाँ से हम लोग को जाना है राइट, यहाँ से हॉर्न देके पहले किधर देखोगे आप, लेफ्ट में। हमेशा दोस्तों की जिस साइड हमें जाना होता है उस साइड हमें नहीं देखना होता है, हमें हमेशा अपोजिट साइड देखना होता है, क्योंकि हमें जिस साइड जाना उस साइड तो हमारी नज़र ऑटोमेटिक ही जाती है, लेकिन अपोजिट साइड हमारी नज़र नहीं जाती, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपोजिट साइड देखना है कि जिस साइड हमें नहीं जाना उसके अपोजिट, क्योंकि खतरा होता है हमेशा अपोजिट साइड से, क्योंकि जिस साइड हमें जाना वो तो हमारी साइड है ही है, लेकिन अपोजिट साइड से गाड़ी आ जाती है तेज़ी से तो वो टकरा जाती है। बढ़ाइए स्पीड, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। वेरी गुड, गुड शॉट। देखो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक करी, क्लच कम दबाया, पूरा क्लच नहीं दबाया ना जी। अब ये गलती आप जानबूझ के कर रहे हैं, अगर क्लच मैंने आपको बता दिया कि हर बार पूरा दबाना, तो ये कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब या तो आप दबाओ मत, या आप दबा रहे हो तो पूरा दबाओ। आप लोग क्या करते हो कि क्लच को धीरे धीरे, क्लच एक ही बार में एक ही उसमें झटके में दबाया जाता है, एक बार में पूरा क्लच दबा दूँ, छोड़ना उसको धीरे धीरे होता है रिलीज़ करना। आप क्या करते हो, आप जैसे ब्रेक दबाते हो ना वैसे धीरे धीरे क्लच दबाते हो, जिसकी वजह से पूरा क्लच नहीं दब पाता है। ब्रेक पावर होती है तो ब्रेक इतना ज़्यादा अंदर पैंडल नहीं जा पाता है, क्लच पूरा अंदर जाना होता है। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे से राइट जाना है। गुड, लेफ्ट वाले साइड मिरर में देखा आपने जी भैया, गुड, हाफ क्लच हाफ ब्रेक पे आप टर्न कर सकते हो। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, अपनी साइड में आ जाओ। गुड दोस्तों, जैसे कि आपने देखा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छी चला भी रहे हैं, और आप भी चला सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कोई भी चला सकता है, बस डिपेंड ये है कि आप चीज़ों को जिस तरीके से कर रहे हैं ना वो माइंड में होनी चाहिए, आपको क्या करना है, कितना पहले करना है, वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में होनी चाहिए। आप भी चला सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। यहाँ से लेफ्ट, नहीं नहीं ये प्लॉट है, सीधा जाना है, यहाँ से लेफ्ट जाने दो। वेरी गुड, टर्न करो, गुड, स्पीड मेंटेन करो, सीधा जाना है स्ट्रेट। इन गलियों में एक बार हॉर्न देना ज़रूरी, कब कोई साइकिल या बाइक स्कूटी लेके निकल आए तो हमें अलर्ट रहना है। जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, आगे से फिर राइट जाना है हमें। वेरी गुड, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, क्लच थोड़ा ज़्यादा ले लो तो गाड़ी और स्लो हो जाएगी, हाँ क्लच थोड़ा ज़्यादा ले लो, टर्न करो, वेरी गुड, सीधी करो। अगर आप क्लच ज़्यादा दबा लेते हो तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको ब्रेक भी लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से लेफ्ट, फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त इन्होंने कार चलाई है, और इसमें गलियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलियों में ही चलाना टफ होता है, क्योंकि फर्स्ट गियर सेकेंड गियर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको कार कहीं ट्रैफिक में चलानी है, पार्किंग में लगानी है, बैक करना है, तो फर्स्ट सेकेंड और रिवर्स, तो उसमें कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे ये पतली पतली रोडें हैं, देखिए कितनी सारी कारें खड़ी, दोनों साइड कार खड़ी हैं, तो यहाँ पे हमें अगर हम ज़्यादा एक्सीलेट करते हैं जो भी, तो हमारी गाड़ी टकराने की कंडीशन में आ जाती है। और अगर हमें गाड़ी का राइट का लेफ्ट का जजमेंट, गाड़ी कितनी लंबी कितनी चौड़ी कितनी दूरी से हम उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अगले कट से आपको राइट लेना है, ये भी बहुत नैरो है, यही गली बहुत पतली गली है, 8 फीट की गली है और 6.5 फीट चौड़ी आपकी कार है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड शॉट। यही मुझे देखना था कि आप गाड़ी का गियर चेंज करते नहीं करते, हॉर्न दीजिए ताकि वो सामने से रिक्शा सीधी करो फटाफट जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाने दो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत नैरो है, और एक बार हॉर्न और मारो ताकि वो पीछे कर ले ठेला। गुड, वहाँ पे हाफ क्लच हाफ ब्रेक एकदम स्लो करके बेटा ब्रेक क्लच लो थोड़ा सा, जाने दो थोड़ा सा मैंने बोला है। देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी दोनों साइड, जरा सा भी दाएं बाएं होकर टकरा जाएगी, समझ रहे हैं जी भैया। शुक्र मनाओ कोई भी ऐसे सिखाता नहीं इतनी पतली गलियों में, समझ रहे हो जी। गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, किसी की गाड़ी को टच हो जाएगा तो फिर दिक्कत ट्रेनर को ही होगी। और इन गलियों में चलाने के बाद आपको कभी भी कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है कि सर आप डांटते बहुत हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से राइट लेना, अगर छेनी हथौड़ी की मार से पत्थर डर जाएगा ना तो कभी मूरत नहीं बन पाएगा, और जिस बच्चे ने टीचर की डांट खा ली ना वो हमेशा सफल हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सीरियस होके नहीं सिखाऊंगा तो बाकी ड्राइविंग स्कूल में मेरी भी गिनती आ जाएगी। 99% ड्राइविंग स्कूल से लोग ड्राइविंग नहीं सीख पाते, क्योंकि एक्चुअल होता है क्या है, जो ट्रेनर होता है वो हमेशा क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहता है, ये जो लेफ्ट में क्लच और ब्रेक होता है इस पे हमेशा उसका पैर रहता है, जिससे कि आपके कंट्रोल करने से पहले वो खुद ही कंट्रोल कर लेता है। और मेरा पैर कभी भी क्लच ब्रेक पे नहीं जाता, मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठता हूँ ताकि स्टूडेंट खुद ही क्लच ब्रेक इस्तेमाल करे और उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। यहाँ लेफ्ट में रुकना है, आपका टाइम ओवर हो गया बेटा, लेफ्ट आओ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही सिखाने का मेरा तरीका है, इसी तरीके से मैं सिखाता हूँ। हाँ एक कमी समझे या जो भी समझे आपकी मेरे अंदर कमी है कि मैं लोगों को डांटता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में जो भी काम करता हूँ ईमानदारी से और सच्चाई से, तो यही मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आए उसको कभी कोई दिक्कत ना आए और वो आराम से चलाए, और कल को कार ड्राइव करे तो उससे कल को कोई ये ना कहे कि आपको चलानी अभी नहीं आती है। इसलिए मैं, क्योंकि ड्राइविंग में अगर ज़रा सा भी 19-20 होता है तो लोगों की जान भी चली जाती है, किसकी गलती और किसको भुगतना पड़ता है, नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए मुझे भी बुरा लगता है कि मैं स्टूडेंट को क्यों डांटता हूँ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं स्टूडेंट को डांटूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, उसको बोलूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, तो वो उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। रेडी हैं आप? जी सर। देखिए दूसरा स्टूडेंट आ गया है ऑलरेडी मेरे साथ, तो मास्क लगा नहीं रखा है आपने, ऑलरेडी मेरे साथ दो स्टूडेंट बैठे हैं मेरी कार में, हमेशा 2-3 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, जिसका टाइम ख़त्म होता है वो पीछे आ जाता है और दूसरा व्यक्ति चलाने लगता है, ठीक है ना। ग्लव्स मास्क वगैरह ये रहते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ है, टेम्परेचर मीटर वगैरह सारा रहता है, प्रिकॉशन के साथ ही हम लोग चलते हैं, ऐसा नहीं है, और स्टूडेंट का सब कुछ चेक करने के बाद ही बिठाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मास्क हो गया, आप देखेंगे सारे स्टूडेंट मास्क लगा के रखते हैं। तो बस आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेट जाना है, कि देखिए डांटना और ये जो भी है मैंने कोशिश करी कि मैं ना डांटूं, बट कई बार मैंने देखा है कि जब मैं स्टूडेंट को डांटता नहीं हूँ तो वो चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है, फिर कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो सोचता है अरे हो जाएगा बट नहीं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम लोगों को बोलूँ, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए है।